अब हम दोनों बाप बेटे जो हैं बाहर वेट कर रहे हैं मम्मी जी के आने का। सो गाइस हम जाने के लिए रेडी है। तो हमारे साथ बब्बू भी जा रहा है, आज पहली बार बाइक पे जाएगा वो। अच्छे लग रहे हैं ना? क्या ये क्या है, चला भी नहीं जा रहा है इनसे। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है सभी का आज के हमारे न्यू व्लॉग में। कैसे हो गाइस आप सभी? 2 बजने वाले हैं ऑलमोस्ट, और हमारा ना एक्चुअली आज इनविटेशन है, मेरे जो साली है ना कोमल, उनके यहाँ पे आज हमको जाना है, क्योंकि वहाँ पे उनके गोद भराई का प्रोग्राम है आज। अभी का सीन ये बताता हूँ कि क्या हो रहा है मेरे साथ में। कोमल के वहाँ पे हम लोगों को साड़ी वगैरह देनी पड़ेगी, नारियल और काफी मतलब सामान जाएगा थोड़ा बहुत, तो वो सामान लेने के लिए वो तो चली गई है रोड पे, और इसको सुला गई थी, बट ये भाई साहब जो है उनके जाने के आधे घंटे बाद ही उठ गए, तो अब इनको चाहिए दूध उठते ही। ये भाई साहब जो है ना, और मैं यहाँ बैठ के अपना जो है ब्लॉग एडिट कर रहा था कल का, जो गणगौर का बना के लेके आया था ना मैं, तो वो रात को एडिट हो नहीं पाया, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इस बार यूनिक और कुछ अच्छा सा एडिट करूँ, इसलिए मैंने सुबह मॉर्निंग में आज ब्लॉग अपलोड नहीं किया। मैं चाहता था कि जो नॉर्मल ब्लॉग होते हैं उससे थोड़ा हटके हो, आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, इसलिए मैं उसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। देखो अब मैं अपना काम करूँ या इन भाई साहब को संभालूँ? ये विनीत बाबू है ना, नीचे नहीं सोते, इनको गोद में लेना पड़ता है एक बार उठने के बाद में, नीचे तो फिर ये सोएंगे नहीं, रोएंगे। तो मैंने इसी मम्मी को फोन किया है, तो वो बोलती है हमको तो अभी 10-15 मिनट और लगेंगी। आप बताओ मेरे साथ ये अन्याय हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हुआ है इसका, आप दूध पिला दो। आप देखो और ये देखो कैसे देख रहे हैं भाई साहब। हाय सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी? मैं परेशान हो गया हूँ लिटरली, इसको पिछले 15 मिनट से मैं ऐसे घुमाया जा रहा हूँ, मेरे दोनों हाथ बहुत दुख चुके हैं। अब मेरे को ब्लॉग भी एडिट करना है, वहाँ पे जाने के लिए रेडी भी होना है, अभी मैं तैयार नहाया भी नहीं हूँ, बस हवा निकल गई। अब आप लोग ही बताओ मैं क्या करूँ। अब हम दोनों बाप बेटे जो हैं बाहर वेट कर रहे हैं मम्मी जी के आने का। कब आओगे? पिछले आधे घंटे से बोल रही है बस आ गए आ गए आ गए, पर आ रही नहीं है। आप भी परेशान हो गए, झूठ बोलते हैं। देखो कैसे देख रहा, आ गई शायद, आ गई, ये देखो ये आ गई, देखो वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। हाँ भैया कब से फोन कर रहे हैं आपको? अरे हम दुकान वाले के पास था, पूछ लीजिए। वो तो हमको बताया कितनी दुकान वाले के पास? मैं बब्बू कान पे हाथ लगा के क्या सोच रहा है बेटो? ये सोच रहा है मेरी मम्मी इतनी झूठी कैसे है। इमोशनल डैमेज। बहुत बढ़िया, 50 रुपए के लिए आपने इसको इतना वेट करवा दिया। मेरे बब्बू कान पे हाथ लगा के सोच रहा है भाई आज तो आप ही बोलो, धीरे धीरे इनको ट्रेन करें, तो ये भी तो ब्लॉगर बनेगी, इनका भी चैनल खोलेंगे अब। तो क्या देख रहे हो कांच में बार बार? मैं देख रही हूँ काय की कमी है। काय की कमी है, है? मैं तो दिख गई कमी। क्या कमी दिख गई अब आपको? अच्छा मांग की कमी रह गई। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो हमारे साथ बब्बू भी जा रहा है, आज पहली बार बाइक पे जाएगा वो। हाँ मैंने आज पहले उसको बाइक पे लेके नहीं गई, कहीं मेरे को डर भी लग रहा है। हाँ देखो 3 महीने का हो गया होने, हाँ 3 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, पर हम कभी उसको बाइक पे नहीं लेके गए, तो पर क्या करें मजबूरी है लेके जाना पड़ेगा। 3:30 बज गए हैं। सो गाइस अभी आधा रास्ता कवर कर लिया है, और अभी जो है फाटक पे रुके हुए हैं, ये फाटक है CVI फाटक बोलते हैं इसको, और हम लोग जा रहे हैं प्रताप नगर। और लिटरली मेरे से ना धूप में देखा नहीं जाता, जैसे कोवर करके तो आँखों में ना आँसू आने लग जाते हैं मेरे। अभी ट्रेन आई नहीं है, ट्रेन आएगी तो दिखाऊंगा आपको। चलो भाई आ गई ट्रेन भी। सो गाइस एक ट्रेन तो गई, अब एक ट्रेन और आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं। आ गई ना आवाज़। चलो भाई खुल गया फाइनली फाटक। चलो भाई पहुंच गए हैं कोमल के घर पे। राम राम जी। आते पहले बाबू को लिया है हाथ में, और कोमल हमारी एज ऑलवेज किचन में बिजी है। ओहो एंट्री
देख रहे हो कि जोरदार एंट्री मारी है। क्या बात है, स्मार्ट लग रहे हो यार कोमल, स्मार्ट लग रही है ना, अच्छे लग रहे हैं ना। क्या ये क्या है, क्या बोलते हैं इनको, ये तो बी, ये तो नहीं बी है, ये तो लड़की मतलब लड़की के लिए है ये वाला। अच्छा, और पूरा लिखा है बेबी शावर, बेबी शावर लिखा है इनके ऊपर। और ये ना मतलब अच्छा कोमल ने बनाया है, वाह टैलेंटेड साली, देख लो गाइस हमारी बहुत पैसा है अपने पास, देखो लग रहा नहीं है मतलब क्या ना बनाए हुए हैं, काफी सुंदर लग रहे हैं। हाँ दिखाओ, ये देखो इस तरीके से लिखा लगेगा पीछे, ये सुंदर लग रहा है, ये मैं वो दिखा रही थी ऐसे करके, वो देख रहा काई दिखाऊं, तो मैं सोची मैं कि अपनी बब्बू के लिए ड्रेस दिखा रही है, कैसे ड्रेस का वो हुआ है, तो ये बोल रही है ले ले बब्बू के लिए, तो ये मेरे को बब्बू की ड्रेस दिखा रही है। अच्छा आपको ड्रेसेस लगी है, अलग भी ड्रेसेस ही रही है बिल्कुल, देखो बाद में बोली कि ऐसे मैंने बनाया, बाकी सुंदर लग रहा है देखो, बेबी शावर। कहाँ से आया आइडिया आपको बनाने का, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं यहाँ से तो नहीं आया, यूट्यूब पे देखा होगा पक्का है ना। इंटरनेट जिंदाबाद, उसके लिए भी क्रिएटिविटी करने के लिए भी ना वो चाहिए ना, उसमें भी जितना टाइम लगता है बनाने में काटने में, साइज से अच्छी आती है किसी से नहीं आती, सही बात है। तो देखो फाइनली लगने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, तो यहीं पे बैठ के होगा सारा जो भी बेबी शावर का प्रोग्राम होगा ना, तो अभी सारी तैयारी हो गई है एंड फाइनली प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। कैसे क्या करेंगे मेरे को नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम किसी बेबी शावर को अटेंड कर रहा हूँ, वो तो यही बताएंगे। हाँ मैडम कैसे करते हैं, पहली बार ही कर रही हूँ। अच्छा ये भी पहली बार ही कर रहे हैं। सो इस तरीके से है ना, बेसिकली ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम तो कर रहे नहीं है, घर घर के ही लोग हैं हम लोग, और वही लेना देना है जो भी मतलब फर्ज बनता है देने का बड़ों का छोटों को, वही सब है, कपड़े वपड़े और मिठाइयाँ वो सब। ये पापा बनने वाले हैं, ये मम्मी बनने वाली हैं, तो उसी की खुशी में बेबी शावर किया जा रहा है। एंड यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब कुछ ना कुछ बनने वाले हैं, जैसे कि ये दादी बन जाएंगी, ये जो है ये क्या बनेंगी, क्या बुआ बन जाएंगी एक और बार, और यही नहीं मैं भी बन जाऊंगा, मैं भी मौसा जी बन जाऊंगा, ऑफिशियल मौसा जी, ऐसे तो बहुत लोग बोलते हैं अब मौसा जी बनूंगा रियल वाला। वीरू जी कितनी एक्साइटमेंट हो रही है पापा बनने की, मस्त वाली एक्साइटमेंट हो रही है। कितने दिन बचे हैं, दो महीने बचे हैं, दो महीने और वेट करना है बस। तरीके से देखो नारियल हो गए, कपड़े हो गए, उन सबसे पताशे हो गए, गोद भराई इनसे होती है, फल फ्रूट भी डालो, ये भी मम्मी की तरफ से हो रही है। अब आ रही है इनकी ननद की, पूरी गोद भर चुकी है। कोमल भारी तो नहीं लग रहा, इतनी खुश। A few moments later. देखो कोमल की तो पूरी गोद भर गई, लिटरली फेस तक आ गया है सामान, चला भी नहीं जा रहा है इनसे, इतना सामान आ गया। तो जो भी गोद भराई में सामान आया था सारी अपनी सासू माँ को दे दिया है। अच्छा रसम होती है कि ये भी। फाइनली गोद भराई का प्रोग्राम खत्म, यही था छोटा सा, वो करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अब खाना वाना खाएंगे, then we'll go back to home. A few moments later. तो चलो भाई सारा काम हो गया है, खाना वाना भी खा लिया हम लोगों ने, शाम हो गई है, हम निकलते हैं फटाफट, बाबू है हमारे साथ में, तो ज्यादा अंधेरा करना ठीक नहीं है, तो इसलिए जल्दीबाजी में निकल रहे हैं। तो चलो भाई फाइनली ब्लॉग एडिट हो गया है, रात के 2 बज गए एंड अब जाके ब्लॉग एडिट हुआ है। सो होप करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं नहीं बोल रहा, मेरे को नहीं आता ना बोलना, बोलो।